कुमार रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हुरैन्स कॉर्नर। तो आज मैं जिस ज़बरदस्त प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है इंस्टेंट वाइटिंग इन जस्ट 3 डेज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कम्प्लीट वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंस्टेंट वाइटिंग के हवाले से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बायोगास की क्रीम रखी है, ब्यूटी क्रीम, और साथ में बायोकास का इंजेक्शन है, ये आप देख सकते हैं। इसको अभी मैं आपको सीरम को ओपन करके दिखाती हूँ, ये आप देखेंगे। अभी ये छोटी सी इन्होंने बोतल बनाई हुई है सीरम की, इसको इंस्टेंट वाइटनिंग इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल हैं उसमें आर्बुटीन है, मिल्क एक्सट्रैक्ट है और वाइटामिन ई एंड B5 है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको बाद बताऊँगी, उससे पहले मैं आपको क्रीम के बारे में भी कुछ बता दूँ। तो ये सीरम है जो कि इस क्रीम में ऐड करना है। ये क्लेम करते हैं कि आपने अर्जेंट इंस्टेंट फेयरनेस आपको चाहिए तो आपको इस सीरम को क्रीम में ऐड करके यूज़ करना होगा, जिससे के लिए कि ये मैं ऑलरेडी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये क्रीम है। इसमें मैंने इंजेक्शन को ऐड किया हुआ है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट आधी मैंने यूज़ कर लिया इसको। अच्छा, इसकी जो अब सेल है इसको मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये भी सेम ही है दोनों। तो ये देखें, और साथ में ये जो सीरम इसमें ऐड करना है, फिर आपने इसको यूज़ करना है। आप चाहें तो हैंड फीट पार्टनिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने तकरीबन 3 दिन यूज़ किया हैंड फीट पार्टनिंग के लिए, तो यकीन करें इंस्टेंट रिज़ल्ट इसके साथ आया। तो आप चाहें तो फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फेस के लिए बहुत कम इसको यूज़ करती हूँ, मैं मोस्टली हैंड और फीट पार्टनिंग के लिए ही इसको यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, तो अब इस सीरम के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। जो कि मैंने पहले बोला था, इसमें आर्बुटीन शामिल है। आर्बुटीन जो है वो स्किन वाइटनिंग करती है, लेकिन इट टेक्स सम टाइम। और सेकंड, इसमें उन्होंने लिखा हुआ मेंशन किया कि मिल्क एक्सट्रैक्ट, एक्चुअली में मिल्क एक्सट्रैक्ट जो होता है वो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, जिससे क्विक वाइटनिंग हो जाती है। वो साथ में ये मेंशन नहीं करते कि ये केमिकल है, लेकिन वो साथ में ये मेंशन करते हैं कि ये मिल्क एक्सट्रैक्ट है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि इसमें विटामिन B5 है, जो कि स्किन के लिए, विटामिन B5 जो आप जानते होंगे स्किन के लिए हेल्दी होता है, स्किन को हील करता है। और उसके बाद विटामिन ई है जो स्किन को रिजुविनेट करता है, एंटी एजिंग होता है, उसमें हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल है स्किन के लिए, इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए। जब इस क्रीम को, इस सीरम को हम क्रीम में ऐड करेंगे तो इससे इंस्टेंट वाइटनिंग होगी, डेफिनेटली होगी। और अब बात करते हैं क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें उन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं, जिसमें से कुछ के बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें उन्होंने मेन जो मेंशन किया है वो कोजिक एसिड है, जो कि वाइटनिंग करता है, लेकिन ये कुछ वक्त लेता है वाइटनिंग करने में भी। और इसमें सनस्क्रीन ऐड है। आप फील करते होंगे जब क्रीम अप्लाई करते हैं तो वाइटनिंग सा, हल्का सा वाइट इफेक्ट फेस पे आता है, जो कि सनस्क्रीन होता है, उससे थोड़ा सा फेस आपको वाइट फील होता है। उसमें एक्चुअली वाइट पाउडर होता है जो कि सनस्क्रीन का काम देता है। और बाद में इसमें लिक्वराइज ऐड है, जो जिसको हम मलठी बोलते हैं, और मलठी भी स्किन वाइटनिंग के लिए हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो ये इन्ग्रीडियंट्स मैंने अब आपको बता दी हैं क्रीम के और सीरम के भी। अच्छा, तो इसके फ़ायदों में तो ये बात शामिल है कि इससे आपको वाइटनिंग मिलेगी और इंस्टेंट मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी मेंशन करती जाऊँ, क्योंकि मैं दे रही हूँ इसका ऑनेस्ट रिव्यू, तो मैं आपको ये भी बात मेंशन करूँगी कि बेशक इसके फ़ायदे हैं, ये आपको वाइटनिंग देगी, इंस्टेंट वाइटनिंग होगी इससे, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो लोग यही समझते हैं कि हमें सिर्फ गोरा चिट्टा ही होना है, हालांकि इसके साथ जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके कॉन्स्टेंटली यूज़ के बाद जो है वो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, ओपन पोर्स वगैरह, पिगमेंटेशन की भी आपको शिकायत हो सकती है। तो आप इसको भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ये मोस्टली क्रीम जो है ये हैंड फीट वाइटनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे। ठीक है, तो ये जो क्रीम्स होती हैं वाइटनिंग क्रीम्स, इसको आप ज़्यादा देर तक कॉन्स्टेंटली फेस पे यूज़ नहीं कर सकते। क्रीम यूज़ करने के बाद आपकी स्किन के फिर इसके साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, जो कि स्किन को डैमेज कर देते हैं। फिर आपको दोबारा फिर को क्रीम यूज़ करनी पड़ती है। यूज़ करते रहेंगे तो ठीक रहेगी स्किन, यूज़ करना छोड़ देंगे तो स्किन आपकी ख़राब होगी। तो मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप क्रीम हैंड फीट वाइटनिंग के लिए यूज़ करें। अगर आप अर्जेंट, आपको कोई शादी वगैरह पे जाना है या कोई इस तरह का इवेंट है, अर्जेंट आप चाहते हैं कि फेयरनेस हो जाए, तो फिर आप इसको बेशक फेस पे यूज़ कर लें 3 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको डिसकंटिन्यू कर दें। तो ये आज का मेरा रिव्यू है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह की मैं बेनिफिशियल वीडियोज़ और बनाऊँगी, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगी, यूज़फुल होंगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।